किसी व्यक्ति विशेष और समुदाय को अगर उन्होंने आहत किया तो उनकी तरफ से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं हूँ कि उनको किस कहां से ये चीजें सुनने को आई है, उन्होंने किस तरीके से ये बयान को दिया है, और किसी व्यक्ति विशेष और समुदाय को अगर उन्होंने आहत किया तो उनकी तरफ से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जी फिर इसका मतलब उनको पद पे रहने का अधिकार ही नहीं है। तिलक जी, अति और अंत में सिर्फ आधे न का अंतर होता है। मैंने ये सुना था कि उत्तराखंड में तो जो आपने कहा कि क्षेत्र में, यानी कि वो जो बात कह रहे हैं कि ड्रग माफिया, शराब माफिया और क्या वो सेक्स रैकेट हैं, मैंने तो सुना था उत्तराखंड में राम राज्य है पिछले 6 साल से। आपके राम राज्य में इनपुट शदाब शम्स को मिल रहा है, ये भी गजब कहानी है। इनपुट एलआईयू जो है इनपुट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को देता है, यह भी मुझे अभी पता चला, यह भी गजब स्थिति है। लेकिन आपके राम राज्य में यह सब कुछ चल रहा है, आपको हैरानी नहीं हुई? आपसे कह रही हूं कि मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि शादाब भाई साहब ने किस तरीके से इस बात को कहा है कि उस तरफ के अगल बगल के क्षेत्र में इस तरीके की बातें उनको सुनने में आई है। क्योंकि हमारे जब से हमारी सरकार आई है इस तरीके की बातें कुछ कम ही नजर आ रही है कि सेक्स रैकेट तो ड्रग माफिया तो नशा तस्करी इस तरीके की चीजें सामने आना बहुत ही ना के बराबर हो गई है। शदाब जी को किस तरफ से सुनने में आई बातें, कैसे उन्होंने कहा, कहां से उनको सुनने को मिली, तो मैं इस चीज से पूरी तरीके से समर्थ। मैं नहीं बोल रहा, पूरा उत्तराखंड बोल रहा है, कह रहा है कि शदाब शम्स को माफी मांगनी चाहिए। तो क्या शदाब शम्स माफी मांगेंगे? अगर मेरा तो ये पर्सनल, अगर आप मानना पूछते हैं कि तिलक जी की क्या उनको माफी मांगनी चाहिए अगर उन्होंने मस्जिद के बारे में कहा है या किसी चीज के बारे में कहा है, तो अगर मेरा बयान आप सुनना चाहते हैं तो मैं तो ये कहूंगी कि अगर किसी भी धर्म के, किसी भी समुदाय के बारे में, किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई ऐसी बात या टीका टिप्पणी कही जाती है जिससे कोई भी व्यक्ति आहत होता है या किसी भी धर्म और समुदाय के लोग आहत होते हैं किसी व्यक्ति के कारण, तो उसको माफी मांगनी चाहिए, हर जगह मांगनी चाहिए, हर प्लेटफॉर्म पे मांगनी चाहिए माफी, जिससे भी कोई भी धर्म समुदाय या व्यक्ति विशेष आहत होता है। नहीं हूं कि उनको किस कहां से ये चीजें सुनने को आई है, उन्होंने किस तरीके से ये बयान को दिया है, और किसी व्यक्ति विशेष और समुदाय को अगर उन्होंने आहत किया तो उनकी तरफ से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और दूसरा बात भी मैंने ये कही थी कि अगर किसी धर्म समुदाय में उन्होंने ये बात कही है तो मैं पूरी तरीके से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने आपको डिबेट शुरू होते ही समय क्या कहा था कि शादाब जी ने ये बात क्यों कही, इससे मैं पूरी तरीके से सहमत, क्या 1% भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमारी सरकार में इस तरीके की चीजें नहीं हो रही हैं। तो उनकी बात से सहमत हुई ही नहीं, क्योंकि हमारी सरकार में इस तरीके की चीजें हो ही नहीं रही है। अनिल जी, फिर इसका मतलब उनको पद पे रहने का अधिकार ही नहीं है? तिलक जी, अति और अंत में सिर्फ आधे न का अंतर होता है। मतलब मतलब आप भी समझदार हैं, मैं भी काफी समझदार लगती हूं मुझे। आपको कोई और चेहरा नहीं मिला था मैडम, बाय द वे? नहीं, बोल तो दिया ना चावल जी उन्होंने कि अंत होने वाला है, अति और अंत में ज्यादा फर्क नहीं है।